खबर राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से है, जहां एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 14 पिस्टल, 38 जिंदा कारतूस बरामद की गई है। साथ ही पुलिस ने एक बाइक भी बरामद की है, जो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना इलाके से चुराई गई थी। आरोपी की पहचान शकील के रूप में हुई है। दिल्ली के उत्तरी बहरी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक कुख्यात गैंगस्टर को बीती रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों पर अंकुश लगाने के लिए जिले के डीसीपी विजेंद्र कुमार यादव द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। इंस्पेक्टर आशीष दुबे और सचिन मान की देखरेख में ये टीम काम कर रही थी, जिसमें कांस्टेबल प्रदीप, संजय, मंजीत भी शामिल थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि कपिल सागवान एलियंस नंदू बाबा गिरोह और सिसोदिया गिरोह के कुख्यात हथियार तस्कर रोहिणी सेक्टर 35 में आने वाला है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया और जैसे ही शकील नाम के इस हथियार तस्कर को आते हुए देखा, पुलिस ने उसे रुकने का इशारा कर दिया। पुलिस को देखते ही आरोपी ने भागने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए फायरिंग की, जिसके बाद शकील नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से एक बैग भी बरामद हुआ, जिसमें 14 पिस्टल, 38 जिंदा कारतूस बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस को कल रात एक अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है, जब शकील एलियस शेरनी नाम के हथियार तस्कर को एक मुठभेड़ के उपरांत ओवर पावर कर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से 14 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स व 38 लाइव एम्यूनिशन बरामद किया गया है। यह दिल्ली के कई अपराधियों को हथियार सप्लाई किया करता था और नंदू व सिसोदिया गैंग के साथ इसके तार जुड़े हुए थे। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही आशा की जाती है कि इलीगल वेपन्स के थ्रू होने वाले क्राइम के ऊपर कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी।